वेलकम बैक टू आवर चैनल द चैट सिबलिंग्स। सो दोस्तों, आज मैं मेरे गांव के एक पोल्ट्री फार्म में आई हूँ, यानी कि एक हेन का फार्म। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि जब तक इनको मार्केट में सेल नहीं किया जाता है, इसका देखभाल वगैरह कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये हेन है, ये मीडियम साइज का हेन है। दोस्तों, अभी मैं इसको अभी आपको मैं बताने वाली हूँ हैच करने के बाद इसका क्या किया जाता है। जब इसके एग्स हैच हो जाते हैं, तब इनको यहाँ पे लाया जाता है। फिर जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते, इनको दूसरे फार्म में शिफ्ट नहीं किया जाता है। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, इनको दूसरे फार्म में शिफ्ट किया जाता है। फिर व्हेन दे आर इनफ साइज, दे आर सेल टू द मार्केट। तो दोस्तों, अभी जिस फार्म में मैं हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 हेंस है। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका फीडिंग टाइम के वक्त इसको फीड कैसे करते हैं। तो आप वहाँ पे मशीन देख सकते हो, वहाँ से इनका वाटर सप्लीमेंट और ये फूड सप्लाई होता है। इनका फूड जो है मेनली सम पल्सेस रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है हेंस का, वो है अराउंड 20-24 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये लोग यहाँ पे एयर कूलर्स रखते हैं, ताकि इनका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो सके। और हाँ दोस्तों, जब ये लोग आप देख सकते हो, ये जाली है, इसके नीचे भी एक और जाली रखा जाता है, ताकि जब ये अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तब वो नीचे ही चला जाता है। और ये लोग वीकली वंस ये लोग क्लीन करते हैं वो वेस्ट को। दोस्तों, मैंने आपको बोला था, ये जो है मशीन जो है, इनको यहाँ पे फूड सप्लाई किया जाता है। और ये जो आप दो मशीन देख सकते हो, एक में पानी आता है और एक में फूड आता है। बट जो है आप ये देख सकते हो, फूड का लेन है और इसी लेन में फूड आता है और इसी लेन में पानी भी आता है। और ये वहाँ से स्टार्ट होकर पूरा वहाँ तक जाता है दोस्तों। दोस्तों, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये चीक से बड़े हैं होने का कितना डेज लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 डेज लगते हैं इनको चीक से लेके बड़े हैं होने तक। तो दोस्तों, अब तक 40-45 डेज ये हैंस ऐसे दिखते हैं। शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि ये हैंस बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। और दोस्तों, ये हैंस जो है एग्स भी देखते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक एग है, बट दोस्तों यहाँ पे कई सारे अंडे जो है गिरकर फूट गए। सो बैड फॉर देम। दोस्तों, 45 डेज के बाद ये हेंस इतने बड़े हो जाते हैं, फिर ये जो है अंडे भी देने लगते हैं, और फिर बाद में इनको जो है लोकल मार्केट में सेल किया जाता है। और हाँ दोस्तों, रेनी सीजन और विंटर सीजन में इनके लिए टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बट फॉर समर सीजन इनके लिए फैंस लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर से दबाना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, इस लेन में ही फूड एंड वाटर साथ में सप्लाई किया जाता है। ये फार्म को लेयर फार्म कहते हैं। लेयर पाउल्ट्री फार्म मीन्स जो हेंस को एग प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको लेयर फार्म कहा जाता है। और दूसरा जो है बॉयलर पाउल्ट्री फार्म, इट मीन्स जो हेंस को मीट प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, उसको बॉयलर पाउल्ट्री फार्म कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉयलर फार्म जो है ओपन एरिया है। और दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया अराउंड 60 बिलियन हेंस आर यूज्ड फॉर कंजप्शन एनुअली। इन इंडिया 2022 ओवर 4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मीट वर कंजप्ट।